एपिसोड 195 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। एक आदमी चैन को बोलता है, अगर हुआन और जनरल साथ में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम सभी पर हुकुम चलाओगे। तभी जनरल वहाँ पर आ जाता है, बोलता है क्या तुम ब्लैक नाइट आर्मी के लॉयल्टी पर शक कर रहे हो क्या। फिर वो आदमी बोलता है, तुम तो पहले किंग को बचाए नहीं और इतनी जल्दी नए किंग के साथ हो गए हो, हम लोग तुम पर भरोसा कैसे करें। जनरल बोलता है, मेरी बात सुनो, पहले किंग हमारा गैलेक्सी प्रोटेक्शन फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था, वो भी अपने लिए, जब हमारे ऊपर दुश्मनों का हमला हो रहा था। उस समय वो बहुत ही कमज़ोर है और ज़्यादा जीता भी नहीं, उसके अलावा वो हमारे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये आर्मी उसका कभी भी लॉयल्टी नहीं है। फिर वो लोग बातें करने लग जाते हैं, बोलते हैं हाँ ये तो सही बोल रहा है, अगर वो नहीं बोलता तो मैं ये फॉर्मेशन कभी इस्तेमाल नहीं करता। चैन बोलता है, क्या तुम लोग मेरा बात मानोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर तुम लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं दूसरा फैमिली को अपना कर उसे मास्टर बना दूंगा। यू बोलता है, योर हाइनेस प्लीज़ शांत हो जाइए, इन्हें कुछ समय दीजिए ये सब अपनाने के लिए। जनरल बोलता है, किंग बता दिया है, अब बताओ तुम लोग क्या करोगे। फिर वो लोग अपने मन में बोलते हैं, ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है हम लोगों को कैपिटल में आने से, ये आराम से किंग को मार डाला है तो इसका मतलब हम लोग उसके सामने एक चींटी के बराबर है, अगर हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो किसे फर्क पड़ता है कि कौन राजा बने। फिर वो लोग बोलता है, हम लोग आपकी बात मानेंगे। चैन बोलता है, तो हमारा पहला एडवाइजरी बोर्ड स्टार्ट हो गया है। लू बोलती है, इंपीरियस चैन हो गया समय जाने का। चैन बोलता है, ठीक है चलो चलते हैं। फिर वो लोग गैलेक्सी में पहुंच जाता है और वहां पर आराम से सब लोग चाय पी रहा होता है। जोंग अपने मन में बोलता है, ये पहले डीटी चैन था और अब इमॉर्टल इंपीरियस चैन हो गया है, सही में ये थोड़ा भी समय बर्बाद नहीं करता है, क्या ये मेरी बहन से प्यार करता है, तो ऐसा हुआ तो ये इमॉर्टल क्यून बन जाएगी या फिर लू कॉन्क्यूबिन बन जाएगी, जो भी हो इसकी रैंक मेरे बहन से ऊपर नहीं जाएगा, मैं किसी भी हालत में ये होने नहीं दूंगा। मेरा क्या, मैं इसके लिए क्या हूँ, रुको क्या चैन गे है क्या। तभी चैन उसके ऊपर पानी फेंक देता है, बोलते हैं अगर तुम ऐसे ही बेकार से बातें सोचते रहोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे एंसेस्टर के पास भेज दूंगा 100 साल के ट्रेनिंग के लिए। जोंग बोलता है, मुझे माफ़ करिएगा, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, मैं पहली बार डायनेस्टी से बाहर आया हूँ इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ। चैन बोलता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने सामने जो गैलेक्सी है उसे देखकर नॉलेज गेन करो। जोंग बोलता है, आप सही बोल रहे हैं, मैं ऐसे ही करूंगा। यू बोलती है, इंपीरियस चैन हम लोग स्टार में रुकने वाले हैं बोट में फ्यूल देने के लिए, तो आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। चैन बोलता है, मुझे पता है कि तुम क्या बोलने वाली हो। लू बोलती है, अब मुझे पता चला, इसलिए सभी लोग आपको रीइंकार्नेटेड डीटी बोलते हैं, आपके पास सही में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग स्टार ट्रांसिट स्टेशन में पहुँच जाते हैं, तभी एक लड़की उसे रोकते हुए बोलती है, तुम कौन हो और कहाँ पर जा रही हो। लू बोलता है, हम लोग जिन इमॉर्टल हैं और अभी हम लोग वाइट स्काई में जा रहे हैं। वो लड़की बोलती है, और तुम भी इमॉर्टल बनने आई हो। लू बोलती है, यहाँ पर बहुत सारे इमॉर्टल आ रहे हैं, तुम इसके बारे में क्या जानती हो। वो लड़की बोलती है, फ्यूल और यहाँ पर रुकने के लिए तुमको 40,000 स्पिरिचुअल पत्थर देना होगा। लू बोलती है, ये लो और मैं तुम्हें ये भी दूंगी अगर तुम बताओगी कि यहाँ चल क्या रहा है। वो लड़की बोलती है, ये हुआ ना बात, अब मैं बताऊंगी तुम्हें मैं क्या जानती हूँ। वहाँ पर कल ऑक्सीजन के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, तभी वहाँ पर बहुत सारे इमॉर्टल लोग आपस में लड़ने वाले हैं, वहाँ पर जाके इसे बोलना कुबो पार्किंग, तो वो गार्ड लोग तुम्हें अंदर जाने देंगे। जोंग बोलता है, यहाँ के रिल में क्या स्पेशल इन्वायरमेंट है। वो लड़की बोलती है, तुम बहुत ही स्लो हो जाओगे और बच नहीं पाओगे। लू बोलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्सपीरियंस और लेवल यहाँ पर ख़त्म हो गया। वो लड़की बोलती है, तुम्हारा स्टार बोर्ड 4 दिन में भर जाएगा, तो समय से चल जाना नहीं तो तुम्हें पार्किंग फीस देना होगा। लू बोलती है, ये एटमॉस्फेयर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पेल है जिससे यहाँ पर जो भी आता है उसका लेवल और सुपर पावर ख़त्म हो जाता है, ये रिम को बचाने के लिए। जोंग बोलता है, बिना बताए हमारा एबिलिटी ख़त्म कर दिया, सही में यहाँ पर तो बहुत ही अलग फॉर्मेशन स्पेल है। योई बोलती है, हर कोई अपने जगह को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही अलग अलग तरीका का इस्तेमाल करता है। चैन बोलता है, यहाँ पर फिजिकल एबिलिटी से मुकाबला होगा, ये सही में बहुत ही बढ़िया होगा दिखना, जहाँ पर कोई भी खजाना और वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा। जोंग बोलता है, क्या हम लोग वो ऑक्सन में जाने वाले हैं क्या। चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें इसके लिए इंतज़ार करना होगा और वो ऑक्शन परसों होने वाला था इसलिए वो लोग कल बहुत ही ज़्यादा मज़े किए वहाँ पर। फिर वो लोग बैटल देखने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लू गार्ड को बोलती है, हम लोग कुबो पार्किंग लॉट से हैं। गार्ड बोलता है, ओ तुम लोग इमॉर्टल हो ना, बिना कोई ताकत से तुम लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, अच्छा होगा कि तुम लोग अपने साथ एक नर्स ले लो नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर मुकाबला हो रहा होता है। चैन बोलता है, लोकेशन के हिसाब से सभी एरिना का तरीका बदल जाता है क्या। लू बोलती है, हाँ बिल्कुल, ये ऑक्शन का रूल है,
यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है और जो लोग भी उसे चाहते हैं वो लोग एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और जो भी जीतेगा उसे वो मिलता है। यही बोलती है, इमॉर्टल चैन, क्या आपको कुछ चाहिए क्या यहाँ पर? लू बोलती है, ये जगह को कम मत समझो। जॉन्ग बोलता है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं जाऊँगा मुकाबला करने। फिर वो लड़की उसे एक जोर से मुक्का मारती है और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी एक आदमी आके बोलता है, हमारा ऑक्शन का अगला आइटम है एक टूटा हुआ ब्लेड। चैन अपने मन में बोलता है, ये टूटा हुआ ब्लेड तो मेरा हथियार की तरह लग रहा है। हे जॉन्ग, जाकर ले आओ उसे। जॉन्ग शॉक्ड होकर बोलता है, इंपेरर चैन, क्या मुझे सही में भेजोगे? उसे लेने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। चैन बोलता है, मैं एक ही बात बोलूंगा, वहां पर मरना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे आत्मा को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा तो तुम फिर से रिवाइव नहीं हो पाओगे। जॉन्ग बोलता है, आप सही में मजाक कर रहे हो ना? यही बोलती है, तुम ऑर्डर सुने ना, अब जाओ यहाँ से। फिर वो लड़ने के लिए वहां पर चला जाता है। एक लड़की बोलती है, क्या आप लड़ने के लिए रजिस्टर करने आए हो? आप कैसे स्टार्ट करना चाहते हो, पहले, मिडिल में या फिर लास्ट में? अगर ज्यादा चैलेंजर नहीं हुआ तो पहले दो चैलेंजर को सिलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा। जॉन्ग बोलता है, मैं पहले जाना चाहता हूँ। वो लड़की बोलती है, ऐसे तो पहले कोई भी पहले नहीं जाना चाहता है, हमने आपको रजिस्टर कर दिया है और ये आइटम के पीछे 124 चैलेंजर है। लेकिन चिंता मत करिए, आपको इतने सारे लोग से लड़ना नहीं होगा, आपको जीतने के लिए 3 लोगों को हराना होगा। जॉन्ग बोलता है, क्या इतने सारे लोग हैं? सभी को पता है कि ये आइटम बहुत ही ज्यादा कीमती है, इंपेरर चैन की तरह, और मैं यहाँ पर अकेला हूँ जिसे किसी के बारे में पता ही नहीं है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है, बोलता है, तुम्हें देख के लग रहा है तुम यहाँ पर नए हो, जिसे रियल बैटल का कोई भी तजुर्बा नहीं है, अगर तुम अभी हार मान लोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जॉन्ग बोलता है, बाद में पता चल जाएगा कि कौन हारेगा। यही बोलती है, इंपेरर चैन, मैं जाना चाहती हूँ। चैन बोलता है, तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जॉन्ग उससे मुकाबला कर रहा होता है। चैन बोलता है, जॉन्ग बहुत ही जल्दी इम्प्रूव कर रहा है, अपने स्टूडेंट को बढ़ते देखकर सही में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ कि मैं जीव को ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दे पाया, आशा करता हूँ कि मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। फिर जॉन्ग उसे एक जोर से पंच मार देता है, बोलता है, अब बताओ हारने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? तो वो लड़की बोलती है, हमारा विनर जॉन्ग है, अब अगला बैटल 5 मिनट के बाद होने वाला है। जॉन्ग बोलता है, 5 मिनट, वो भी हीलिंग एलेक्सीर के बिना? मुझे तो आराम करने के लिए 5 दिन चाहिए, सही में मुझे हार मानना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पर सही में मारा जाऊँगा। फिर वो बोलता है, हे रुक जाओ वहीं पर। फिर वो चैन को देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? चैन बोलता है, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। जॉन्ग बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ी होने वाला है। फिर कुछ देर के बाद जॉन्ग मुकाबला करने के बाद पूरी तरह बैंडेज से बना हुआ आता है। जॉन्ग बोलता है, चैन तो वो बुरा आदमी से भी ज्यादा ताकतवर निकला, वो बोला था कि मुझे कुछ सिखाएगा लेकिन वो मुझे मार के ये हालत कर दिया। यही बोलते ही, सही में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगता है तुम चैन से जीत जाओगे मुकाबले में? लू बोलती है, तुम ये मुकाबले से बहुत ही कुछ सीख गए हो। दूसरी तरफ चैन दूसरा मुकाबला भी जीत जाता है। दूसरी तरफ जियांग आ जाते, बोलती है, हे चैन, मुझे नहीं लगा था कि हम लोग दोबारा मिलेंगे। चैन बोलता है, तुम कौन हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ क्या? जियांग बोलती है, मैं फी की बहन हूँ, क्या तुम भूल गए हो क्या इस बारे में? चैन बोलता है, मैं तुम्हारे जैसे लोग को कभी पहचानता नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे कजिन को। जियांग बोलते है, तुम इस मुकाबले के बाद मुझे पहचान लोगे। फिर वो उस पर हमला करते हुए अपने मन में बोलती है, मुझे जितना पता है ये 7 सेक्टर से मुकाबला किया था जो पृथ्वी पर हमला किया, लेकिन एक ऑलमाइटी इसे साथ दिया था इसलिए वो जीत गया। मैं इसे मुकाबला करके देख सकती हूँ कि मैं ट्रेनिंग में कितना अच्छी हुई हूँ, बिना कोई ताकत से तुम एक बहुत ही कमजोर इंसान हो। फिर वो शॉक्ड होकर बोलती है, मैं तो तुम पर हमला की। चैन बोलता है, तुम अपना पूरा दम लगाकर हमला करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना ताकतवर हो। जियांग अपने मन में बोलती है, मैं अपना ताकत का 80% इस्तेमाल की हूँ और फिर भी इसे कुछ हुआ नहीं है। चैन बोलता है, जबकि तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें फी के कारण 2 मौका देता हूँ, मुझ पर हमला करो। जियांग बोलते, ठीक है, मैं अपना पूरा दम लगाकर हमला करूंगी। फिर वो उसे जोर से किक मार देती है जिससे वो बाउंस खाकर दूर फेंका जाती है। जियांग शॉक्ड होकर बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम तो मेरे से ज्यादा बड़ी भी नहीं हो, बिना कोई सुपर पावर के तुम इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो? मेरे पास एक और मौका है ना? चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, उसके बाद तुम यहाँ से जिंदा बच के जा नहीं पाओगी। जियांग बोलती है, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है। फिर वो अपने हाथ को ताकतवर बनाकर चैन के मुंह पर हमला कर देती है। चैन बोलता है, अब तुम्हारा 3 मौका खत्म हुआ है, अब मेरा बारी है। फिर वो उसका हाथ को तोड़ने लगता है। जियांग बोलती है, मैं हार मानती हूँ। तभी उसका मास्टर चिल्ला के बोलता है, मुझे पता है कि आनिया कहाँ पर है। चैन बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? ले बोलता है, तुम पृथ्वी को छोड़कर यहाँ पर इसलिए आए हो ना, अपने फैमिली को खोजने के लिए?
कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जितना भी ज्यादा ताकतवर हो, तुम कभी भी उसे खोज नहीं पाओगे। जियांग को जाने दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर चैन उसे मारकर बेहोश कर देता है, बोलता है ये लो। तभी वो लड़की बोलती है हमारा विनर चैन है। फिर वो चैन को एक कार्ड दे देती है और बोलती है ये कार्ड रखो अपने साथ, इसमें लिखा है तुम्हें आइटम कहाँ पर मिलेगा। चैन ली को बोलता है बताओ मुझे। ली बोलता है चलो कमरे में चलते पहले। फिर वो कमरे में आकर जियांग को सुला देते हैं और बोलते हैं जब 7th सेक्टर पृथ्वी में आए थे मुझे लगा कि तुम मर गए होगे और ये पृथ्वी तबाह हो गया होगा, इसलिए मैं जियांग को लेकर यहाँ पर आ गया हूँ। चैन बोलता है बकवास बंद करो और बताओ कि आनिया कहाँ पर है। तुम्हें तो पता ही होगा कि ये प्लैनेट कितना स्पेशल है, ये फॉर्मेशन को बनाने के लिए सुपर पावर की जरूरत होता है। चैन बोलता है ये फॉर्मेशन को बनाने के लिए सुपर पावर की जरूरत है, लेकिन ये प्लैनेट में कोई भी सुपर पावर इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ली बोलते हैं यहाँ का हेड एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला है, वो लोग उसे खोजते हैं जो यहाँ पर सुपर पावर का इस्तेमाल कर पाता है थोड़ा बहुत। और हम लोग आनिया को एक बार टीवी में देखे थे, वो लोग सभी इमॉर्टल को एक जगह में बंद करके रखे हैं, जहाँ पर उन्हें जो भी बोला जाता है वो लोग वही करते हैं। ली बोलता है हाँ मुझे पता है इसके बारे में। फिर वो वापस आ जाता है, तभी जोंग वहाँ पर आ जाता है, बोलता है डीटी चैन हमें वो प्राइस मिल गया है। चैन बोलता है जाओ कुबो पार्किंग लॉट में मेरा इंतजार करो, मुझे कुछ काम खत्म करना है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। याओ बोलती है मास्टर मैं क्या आपके साथ जा सकती हूँ क्या। फिर वो अपने मन में बोलती है इसके साथ जाने में बहुत ही खतरा है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया मौका होगा अपने आप को इम्प्रूव करने में। चैन बोलता है हाँ सोचने दो, सही में तुम तो बहुत ही काम की होगी, अगर तुम मेरे साथ जाओगी तो तुम्हें इस बात पर अफसोस होगा। यही बोलती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ आपके साथ देने के लिए। फिर चैन अपने आप को बनवा देता है और बोलता है चिंता मत करो, जैसा मैं बोला हूँ वैसा काम करो। यही बोलती है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा एंसेस्टर, मुझे ये करना पड़ा। तभी गार्ड उन दोनों को देख लेता है और बोलते हैं हे तुम लोग कौन हो। यही बोलती है मुझे सुनने में आया है कि तुम लोगों को इमॉर्टल की ज़रूरत है और मैं इसे पकड़ी हूँ, मुझे इसके लिए बहुत ही पैसा चाहिए। फिर वो लोग गेट खोल लेते हैं और बोलते हैं अंदर आ जाओ। याओ चैन को ठेलते हुए बोलती है हे जल्दी करो, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग पाओगे क्या। फिर वो अपने मन में बोलती है डीटी चैन प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। गार्ड बोलता है हे हमारे साथ चलो। यही बोलती है हे मेरा पैसा का क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मेरे सामान को ऐसे ही ले जाओगे बिना मुझे पैसा दिए हुए। तभी वो सभी गार्ड हथियार टान देते हैं। गार्ड बोलता है हे तुम लोग रुक जाओ, जैसे ही हमें इसका पावर के बारे में पता चल जाएगा हम लोग पैसे दे देंगे तुम्हें। यही चैन को पकड़ लेती है, बोलती है तुम मुझे धमकी दे रहे हो, मैं इसके अंदर एक प्रोटेक्टेड पासवर्ड लगाई हूँ, अच्छा होगा कि तुम पैसे दे दो नहीं तो तुम इसके लिए पछताओगे। अगर तुम लोग हमला करने की कोशिश किए तो मैं इसे एक्सप्लोड कर दूंगी तो हम लोग साथ में मरेंगे। चैन बोलता है प्लीज़ नहीं ये मत करो। वो आदमी बोलता है ठीक है तुम यहाँ पर आ जाओ, जैसे ही हमें इसके ताकत के बारे में पता चलेगा हम लोग पैसे दे देंगे। फिर वो लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं ये तो रूल के खिलाफ है ना। दूसरा आदमी बोलता है हम लोग देख सकते हैं पहले क्या होता है। फिर वो आदमी को बोलता है जाओ जाकर बॉल पर अपना ताकत का इस्तेमाल करो। चैन बोलता है ये तो मेरा हाथ बांधी है। याओ चिल्ला के बोलती है तुम तो एक सही से लाइन भी नहीं बोल पा रहे हो, सही में तुम अपने दुनिया में एक बहुत ही बड़ा लूजर होगे। फिर वो उसका रस्सी को खोल देती है। चैन अपने मन में बोलता है यह डिवाइस सुपर पावर को डिटेक्ट करता है, मैं अपना कितना ताकत का इस्तेमाल करूं, मैं सिर्फ अपना ताकत का थोड़ा इस्तेमाल करता हूं, जिससे मुझे यहां पर ज़्यादा परेशानी ना हो। फिर वो जैसे ही इस्तेमाल करता है अपना ताकत का वो सब लोग शॉक्ड होके बोलते हैं ये लड़का तो एडवांस लेवल का है, रुको इस पर हमला मत करो, हम लोग इसका इस्तेमाल दूसरे डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। फिर वो याओ को बोलती है मेरे साथ चलो मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। याओ बोलती है ये हुआ ना बात। फिर वो उसके पीछे जाने लगती है।